साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि डेयरीज के लिए, विशेष तौर से गायों के लिए और भैंसों के लिए भी, सबसे बढ़िया बाईपास फैट कौन सा होगा। बाईपास फैट घर पे कैसे बनाते हैं, हमने इस पर एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। सबसे बढ़िया रहता है घर पे बनाना। इसके अलावा कई कंपनियां हैं जो मार्केट में बाईपास फैट बेचती है और बाईपास फैट मार्केट से खरीद करके भी यूज़ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो घर पे नहीं बनाना चाहते हैं वो मार्केट से खरीद करके और आराम से यूज कर सकते हैं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि बाईपास फैट कौन सा लें कौन सा लें, तो आज मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। हालांकि देखिए, आपके नज़दीक में जिस कंपनी का भी अच्छा मिलता है वो आप यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के बाईपास फैट अच्छे ही आते हैं, बस उसे सही समय पे देना और सही मात्रा में देना, वो ध्यान होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि कोई अच्छा सा बताए अच्छा सा बताए, तो जो हमने यूज़ किए हैं और बेटर रिजल्ट लिए हैं उनमें दो प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से पहला जो है, पेन ब्लैक ले लेते हैं, पहला जो है वो है फ्रेंड्स खुराक। खुराक के नाम से एक पाउडर मार्केट में आता है जो कि डाइजेशन सिस्टम को भी प्रॉपर करता है और बाईपास फैट भी है, बहुत ही शानदार है खुराक। दूसरा अगर हम लें नाम आपको बताएं तो वो है हाईलेक। हाईलेक जो आता है, हाईलेक भी बहुत अच्छा आता है और ये दोनों प्रोडक्ट मार्केट में आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में सब जगह मिलते हैं, हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे चलते हैं और बाईपास फैट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। बच्चा देने से एक महीना पहले से ही अगर हम इनका इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। बच्चा देने से पहले मात्र 50 ग्राम, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, मात्र 50 ग्राम रोज दिया जाता है और बच्चा देने के बाद इसे दिया जाता है दूध के हिसाब से, यानी दूध की मात्रा कितनी है उसके हिसाब से इसे दिया जाता है। जैसे हम लें 20 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर दूध के पीछे हम 20 ग्राम पाउडर यूज़ करेंगे। ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 5 किलो वाली है, मान लीजिए 5 किलो वाली है, तो उसके लिए पहुंचता है 100 ग्राम। लास्ट आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो 150 ग्राम से ज़्यादा, चाहे कितनी भी दूध वाली है, उसको नहीं देना है। और अगर इकोनॉमिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो लास्ट आप इसे 100 ग्राम दे दें, यानी जो भी बड़ी गाय भैंस है उनको भी आप लास्ट 100 ग्राम दे दें तो काम चल जाएगा। बच्चा देने से पहले मात्र 50 ग्राम से काम चल जाएगा और बच्चा देने के बाद 100 ग्राम, बस। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा आपके लोकल एरिया में जो भी चलता है आप ले सकते हैं, लेकिन बाईपास फैट ज़रूर ऐड करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि मिल्क तो बढ़ता ही बढ़ता है, मिल्क में फैट और SNF भी बढ़ता है, दोनों बातें साथ चलती है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये आप यूज़ कर सकते हैं।